Hello students. So students, we have stopped our chapter with ascending and descending order right now. So in today's class, we will continue our chapter with ordinal numbers. Okay. So before ordinal numbers, first of all, tell me, what do you mean by numbers? What do you mean by number? Numbers means 1, 2, 3, 4 and so on. No. Numbers वही तो है ना. So this is new for you. ये आपके लिए नया word है ना. Ordinal number. So in today's class, we will learn what is ordinal number. Okay. Ordinal number क्या है मैं बताएगी. See here. Let us take an example. चलिए एक example के साथ मैं explain करती. For example, you are कंडक्टिंग अ रेसिंग कॉम्पिटिशन. ओके, एक कॉम्पिटिशन कंडक्ट करे हैं. फॉर एग्जाम्पल रेसिंग हो गया, कुछ भी कॉम्पिटिशन. ओके, इन दैट कॉम्पिटिशन यू कैन सी सम स्टूडेंट्स. सो इन कॉम्पिटिशन्स यू कैन सी सम स्टूडेंट्स आर एट द वन पोजिशन. दैट मीन्स सबसे आगे कोई स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पीछे कोई होता है और उनके पीछे कोई होता है ना. तो नंबर वन में जो स्टूडेंट्स रहते हैं तो मैम लोग उनको क्या बोलते हैं, क्या आज्ञा बोलते हैं? फर्स्ट आज्ञा बोलती है ना. यस और नो? फर्स्ट आज्ञा बोलती है ना. जो सबसे सामने आते हैं तो मैम उनको क्या बोलते हैं? ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ऐसा बोलते हैं ना. तो उनके पीछे जो है उनको मैम क्या बोलते हैं? सेकेंड. और उनके पीछे जो है उनको मैम क्या बोलते हैं? थर्ड. ऐसा बोलते ना, वन टू थ्री ऐसा तो नहीं बोलते. जो पहले आते हैं ये वन है, फिर जो इसके पीछे आते हैं उनको टू, ऐसा तो नहीं बोलते है ना. वॉट वी विल से, वी विल से एज फर्स्ट as a winner, then the students who are labeled as two, second position में जो आते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? second बोलते हैं. और उसके पीछे जो आते हैं उनको third, फिर fourth, fifth, ऐसे जाते हैं ना. so students, जो ये मैम जो भी नया words बोली, that means first, second, third, fourth, fifth, ऐसा जो बोलती है ना, this is known as ordinal numbers. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ordinal नंबर्स. ओके, वन टू थ्री फोर, ये नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? सिर्फ नंबर्स. व्हाट वी विल से? वी विल से एज नंबर. ओके, अब जब वो नंबर को हम लोग जब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसा पोजिशन में जब हम लोग बोलेंगे, एट दैट टाइम व्हाट वी विल से? वी विल से इट एज ऑर्डिनल नंबर्स. ऑर्डिनल नंबर्स, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सो यू नो ऑर्डिनल नंबर्स आर रेफर टू द पोजिशन ऑफ द नंबर्स. नंबर्स का पोजिशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स. सो लेट अस से ऑर्डिनल नंबर्स फ्रॉम 1 टू 10, 1 से 10 तक का ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं. ठीक है, फर्स्ट, रिपीट विथ मी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? वंस मोर रिपीट विथ मी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड विथ ऑर्डिनल नंबर्स. ओके, सो related to this we will complete exercise 1.7. okay, now come to the next topic, that is even and odd numbers. Even and odd numbers, first of all, before learning even and odd numbers, even or odd numbers padhne se pehle, sabse pehle ma'am ko bataiye ki pair kisko bolte. What do you mean by pair? ab sune hoenge na, pair, pair bolte na hum log. jab hum log shoes pehante na, shoe तो दोनों पैर में पहनते हैं ना. सो व्हाट वी कॉल इट एज? अगर आपके पास एक शू हो तो आप क्या उनको पेयर बोल सकते? नो, बिकॉज शूज हमेशा जोड़ा में होता है. अंडरस्टूड? शूज हमेशा पेयर में होता है, पेयर में होता है. अंडरस्टूड? सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज पेयर. अंडरस्टूड? इसीलिए हम लोग उसको पेयर में बोलते हैं. जो जोड़ा में होते हैं उनको हम लोग पेयर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल ईयर्स, आपके पास हाउ मेनी ईयर्स डू यू हैव? वी हैव टू ईयर्स है ना. हाउ मेनी आईज डू वी हैव? वी हैव टू आईज. ये सब जो है पेयर में, क्योंकि एक अकेला नहीं होता है. ओके, इनके लिए जोड़ा चाहिए. ओके, सो दैट, फॉर दैट वी कॉल इट एज पेयर. अंडरस्टूड? नाउ
पेयर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स हम लोग समझ गए, जोड़ा में जो होते हैं उनको बोलते हैं पेयर. ओके, नाउ कम टू द टॉपिक इवन एंड ऑड नंबर. व्हाट इज ऑड नंबर एंड व्हाट इज इवन नंबर? ऑड ओ डी डी ऑड एंड इवन ई वी ई एन इवन. ओके, सो फर्स्ट वी विल कम टू इवन, ई वी ई एन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इवन नंबर्स. How many letters are there in even numbers? There are E, V, E, N. Count करिए अपने fingers में E, V, E, N. There are four letters. How many letters? There are four letters. अब ये four letters को आप लोग देखिए, pair करके देखिए. Pair किसको बोलते हैं? जिसमें जोड़ा हो, यानी कि जिसमें दो दो हो, दो हो. ठीक है, अब four में pair करके देखिए, four में pair आता कि नहीं. First E, V, E और V एक पेयर हो गया, यस और नो, जोड़ा हो गया ना. नेक्स्ट क्या बचा है? ई एन, नेक्स्ट पेयर, यस और नो. सो इवन जो वर्ड है उसमें कितना पेयर मिलना हम लोग को? वी गॉट टू पेयर्स. हाउ मेनी पेयर्स? वी गॉट टू पेयर्स. ओके, सो इवन और इवन स्पेल में हमको टू पेयर्स मिले. ई वी ई एन, फोर है ना, नंबर फोर है, तो उसमें टू पेयर्स मिले. सो दैट मीन्स even number means जो number which is grouped into pairs, जो numbers pair में group हो उन्हें हम लोग कहते हैं even numbers. Understood? ये आपको एक hint है मैम याद कराने के लिए, ठीक है, आप confused ना हो, इसीलिए मैम even का alphabet से बताएं. Understood? So that means अब जब भी even word देखोगे, आप इतना देखने से बस है कि ये even word में pair होता कि नहीं. Understood? You have to see first in even word it is pairing or not. Okay? By that you can understand it is even or odd. The number given is even or odd. Understood? Now let's come to the odd. O D D odd. So how many spellings are there in O D D odd word? Mein kitna spelling hai? O D D. There are three spellings. Three hai na? Three alphabets hai na? O D D. Ab ये ओ डी डी को पेयर करके देखिए, ओ डी एक जोड़ा हो गया, अब क्या बच गया? डी बच गया ना, अकेला हो गया, इसको तो पेयर नहीं है, पेयर नहीं है ना, तो क्या ये इवन नंबर है? नो. सो जो पेयर नहीं होता है उनको हम लोग क्या नंबर्स बोलेंगे? वी कॉल इट एज ऑड नंबर्स. वी कॉल इट एज ऑड नंबर्स. अंडरस्टूड? सो जो नंबर्स पेयर कर सकते हैं उनको हम लोग बोलेंगे इवन नंबर, और जो नंबर जो हम पेयर नहीं कर सकते उनको हम बोलेंगे ऑड नंबर. सो वंस अगेन रिपीट विथ मी एवरीवन, ऑड नंबर्स कैन नॉट बी पेयर्ड एंड इवन नंबर्स कैन बी पेयर्ड. ओके, इवन नंबर्स को हम पेयर कर सकते बट ऑड नंबर्स को हम पेयर नहीं कर सकते. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? नाउ टेल मी फ्रॉम 1 to 10 विच नंबर्स आर कॉल्ड ऑड एंड विच नंबर्स आर कॉल्ड इवन. बताइए. Yes, 2. 2 is a pairing number. First 1. Take 1. 1 is a pairing number? No. So it is odd number. Now 2. Is 2 a pair? Yes, 1, 2. Pair kar sakte hai na? So it is even number. Then next one, odd. 3. 1, 2, 3. It is odd. Pair nahi kar sakte. Next 4. 4 mein kitna numbers hai? 1, 2, 3, 4. 4 है ना, 1, 2 एक पेयर, 3, 4 एक पेयर. सो दैट इज इवन नंबर. अंडरस्टूड? सो लाइक दैट, अब एक ऑड है तो एक इवन, एक ऑड है तो एक इवन, ऐसा जाएंगे नंबर्स. अंडरस्टूड? सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम सो वंस अगेन स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग. 1 इज odd. Next 2 even. 3 odd. 4 even. 5 odd. 6 even. 7 odd. 8 even. 9 odd. 10 even. इस तरह कंटिन्यू किए जाएंगे, एक odd एक even, एक odd एक even. Okay, starts from odd. Odd से शुरू होके ये odd even ऐसा alternate में कंटिन्यू होंगे. Understood? So all of you understood this odd even and ordinal numbers? Understood very well.
So now we will do some exercises related to this. Understood? Okay. I hope you all understood this topics very well. So thank you.